हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टेक उड पे। और कई सारे मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि चेरोदा में फंड का विड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो चलिए देखते हैं कि चेरोदा के फंड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। बेसिकली दो प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फंड में आना है। फंड के ऑप्शन में यहाँ पर आपको विड्रॉ का बटन दिखे, उस पर क्लिक करना है। तो देखिए, आपको पहला प्रॉब्लम तो ये आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका विड्रॉ बैलेंस माइनस है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमको ये 12,000 रुपये जीरोधा के पे करने बाकी है, माइनस है, उसका मतलब क्या है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि विड्रॉएबल अमाउंट माइनस है तो क्या करना है, या अवेलेबल अमाउंट भी माइनस है तो हमको क्या करना है। तो ये बात हो गई कि अगर विड्रॉएबल बैलेंस माइनस है तो क्या करना है। अब आप ये सोचते हैं कि माइनस में कैसे आया, तो मैंने सारा का सारा वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो आप आई बटन पर जाके उस वीडियो को देखिए। अब आपको माइनस नहीं है, यहाँ पर विड्रॉएबल बैलेंस जीरो है। यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में आपका जो भी अमाउंट है, 15,000, 20,000 या जो भी है, वो अवेलेबल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, आपके अकाउंट में भी है, पर यहाँ पर विड्रॉएबल बैलेंस में क्यों नहीं है? तो दोस्तों, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको भी आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो भी मैं यहाँ पर, वो वीडियो काफी पुराना है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर देखिए, यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में आपकी बैलेंस दिखाई दे रही है 15,000, तो उसका मतलब क्या है कि अगर अभी आपके अवेलेबल बैलेंस में जो भी वो बैलेंस है, वो अवेलेबल तो है पर वो विड्रॉएबल नहीं है, यानी कि आप उसको आज विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा T+2 दिन का। तो यानी कि अगर आपके पास आज ही अवेलेबल बैलेंस में 15,000 दिखाई दे रहा है और आप उसको आज यूज नहीं करना है दोस्तों, अगर आपने उसके शेयर खरीद दिया, ट्रेडिंग किया, तो अगर उसके बाद, यानी कि आज का दिन नहीं गिनेगा, उसके बाद के T+2, यानी कि आपको कल नहीं, परसों नहीं, और उसके भी अगले वाले दिन मिलेंगे, अगर आप आज उसका यूज नहीं करते और अवेलेबल बैलेंस जो भी है वैसे ही रहने देते हैं, तो यानी कि कल नहीं और परसों आपके जो भी बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में होगी, वो आपके विड्रॉएबल बैलेंस में आ जाएगी। और आप उस दिन आप उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि मेरा विड्रॉ कर दो 15,000 का। तो क्या होता है कि जो भी आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस होती है, उसको विड्रॉएबल बैलेंस बनने में 2 दिन का वक्त लगता है। 2 दिन भी ऐसे है, उसमें सैटरडे संडे कंसीडर नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर विड्रॉएबल बैलेंस जीरो है, वो प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपके दोनों प्रॉब्लम का आंसर मिल गया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आई बटन पर जाके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस जीरो क्यों होती है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जेरोधा के अकाउंट के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आके आप उसको पूछ सकते हैं। मैंने जेरोधा के अकाउंट के रिलेटेड कई सारे वीडियो अपने चैनल पर भी पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके भी उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट अनेबल नहीं है, तो आप उसको भी उसका भी वीडियो यहाँ पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी दूसरे वीडियो, मान लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कोई भी कंपनी का रिव्यू हो गया, या कोई भी न्यूज़ हो गई, तो उस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डेली बेसिस पर ऐसे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।